फील्डर वहां पे तैनात किया है, अपील में उत्साह ज्यादा, उम्मीद काफी, लेकिन शायद खुद ही जानते हैं डाउन द लेग साइड जाएगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा कारन पोलार्ड को। ये दबदबा बनाए रख लाते हैं, आप चाहते हैं ये संचय का बीज बोया है, ये जो हाफ चांसेस भी हैं, ये कंसिस्टेंटली माइंड गेम्स का भी प्रेशर बनाए रखें, टेस्टिंग ये फेज चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और बढ़िया कप्तानी भी, तीसरा ओवर डलवाते हुए एडम मिल से, तीन ओवर डलवाए ट्रेंट बोल्ट से, तीसरा ओवर एडम मिल का। देखते हैं कप्तानों को कि दो ओवर के बाद अपने प्रमुख गेंदबाज को रोकते हुए, जानते हैं कि बड़ा कि यहां पर ये चेन्नई सुपर किंग्स को फिर कंट्रोल में लेके आ सकता है अगर यहां पर एक या दो और विकेट चटकाएं। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने आना है, खुद क्या पता कायरन पोलार्ड भी गेंदबाजी करें, जिस तरीके से मदद है तेज बाजों के लिए, लेकिन एक बढ़िया अटकिंग कप्तानी, पॉजिटिव कप्तानी। ओवर के बीच में हालांकि जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद थी, ऐसा भी लगा एक समय के लिए गौतम कि शायद थोड़ा तैयारी कर रहे थे वो ओवर डालने की, लेकिन फिर फैसला लिया कि एडम मिलन के साथ जाएंगे। सभी अस्त्र शस्त्र मौजूद कायरन पोलार्ड के पास, अच्छी शॉट, क्विक शॉट, चौका मिलेगा आपको, एंजॉय करेंगे आप, बेहतरीन शॉट यहां पर गायकवाड़ की, बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया प्लेसमेंट और बढ़िया पोजीशन भी, ओवर पिच गेंद पूरा फायदा उठाते हुए, प्रॉपर क्रिकेट शॉट यहां पर। और इस विकेट पे आपको क्रिकेटिंग शॉट्स ही खेलनी पड़ेंगी, मदद है तेज गेंदबाजों के लिए। टाइमिंग बेहतरीन, जो कि मजबूत पक्ष भी है ऋतुराज गायकवाड़ की, जब आप बल्लेबाजी देखते हैं उसका तरीका देखते हैं। गेंद ये भी ऊपर बैक के एकदम बीचों बीच लगी थी, लेकिन सीधा फील्डर के पास, थोड़ा सा बेहतर महसूस किया ऋतुराज गायकवाड़, थोड़ा सा सेटल, थोड़ा आपने वक्त बिताया है, तेज गति से गेंदबाजी हो रही है, लेकिन आमने सामने ये बैटल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। जसप्रीत बुमराह तीन बार आउट किया है, स्ट्राइक रेट 100 के आसपास की, वो बड़े शॉट्स अक्सर लगते नहीं 13 पारियों में, और बिजी रखते हैं बुमराह, धोनी के साथ गेसिंग गेम्स चलती हैं, या फिर नोज या फिर टोज, अक्सर अंत के ओवर्स में आमने सामने होते हैं, लेकिन आज शायद बहुत जल्द मिडिल ओवर्स में भी इस्तेमाल होगा बुमराह का। लग्जरी जो है ये कायरन पोलार्ड के पास गौतम, अब आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जसप्रीत बुमराह का, चार ओवर इनके आपके पास अभी, बाउंड्रीज के साथ स्ट्राइक रोटेट करने को भी देख रहे हैं। जी, स्ट्राइक रोटेशन बहुत जरूरी, कई बार जब आप क्वालिटी गेंदबाजी के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे हो तो आसान नहीं है बड़े शॉट लगाना, साथ ही में आप चाहते हैं कि दूसरे छोर पे भी आप जाएं, स्कोर बोर्ड चलता चला जाए। और आपने जिस तरीके से बात करी, ये रहा ऋतुराज गायकवाड़ का अभी तक का आईपीएल, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए स्टार्ट मिले, दो अर्धशतक भी लगाए, आज भी स्टार्ट मिलता हुआ, देखना चाहेंगे कि क्या इसको बड़े स्कोर में बदल सकते। डुप्लेसी के साथ दो शतकीय साझेदारियां थी, रन्स की रुतु लगी थी, लेकिन आज शॉट का सीधा फील्डर के ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट ने गलती नहीं की, महेंद्र इस राइवलरी में इस समय सिर्फ वन वे ट्रैफिक, सीएसके को, और इस बार उनके कप्तान ने शॉट किया।
अरे सचिन है सचिन, कभी तो है सचिन। Involves the element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. Don't try this at home. Try LiveSpace. Design your home interiors for better usability and access. LiveSpace, your space. हुआ है लेकिन संकट नहीं क्योंकि अब बुमराह की गेंद शुरुआत ही और के साथ पावर प्ले पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस के नाम होके आए हैं लेकिन इस समय एक बहुत के लिए 100वां मुकाबला इन प्रीमियर लीग में 2013 इसी टीम के अलग सा एक्शन लेकिन आज सिर्फ इस प्रतियोगिता में नहीं लेकिन हर फॉर्मेट में ना सिर्फ मुंबई इंडियंस लेकिन भारतीय टीम के लिए भी ये नेशनल ट्रेजर है खिलाड़ी और इसे ट्रेजर करती है ये टीम और करे भी क्यों ना। जसप्रीत बुमराह और लंबा सफर तय किया है लेकिन सीजन दर सीजन सिर्फ सबको प्रभावित करते ही गए हैं और आज दिग्गज है जसप्रीत बुमराह। 200वां मुकाबला खेलते हैं पता चलता है कि फ्रेंचाइज को आप पे कितना भरोसा है। ऐसा नहीं आपके खराब नहीं गए होंगे कई सीजन आप खराब भी गए और यही मुंबई और आईपीएल जीती है जो उन्होंने अपने प्लेयर्स पे भरोसा जताया है। स्पिन के साथ एक बार देख रहे हैं बहुत लाजवाब गुजरा था इनका पहला हाफ ऑफिस सीजन का वीवो फैन वॉल घर से आनंद उठाते हुए खुश हैं अलग अलग सेलिब्रेशंस पहन करके आए हैं और घर में लाइट तस्वीरें तो फिर ये मुंबई इंडियंस है। स्पिन को अच्छा खेलते हैं ऋतुराज गायकवाड़ इनका आप अगर तक का करियर उठा के देखें तो मिडल ओवर्स में ये एक्सेलरेट करना शुरू करते हैं ये देते हैं स्पिन को लेकिन आज परिस्थितियां अलग हैं। आज अगर आप चाहें भी तो फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा लेकिन क्या जरूरी बात है क्या आप एकदम अपनी शेल में नहीं जा सकते। मजबूत पक्ष है जहां आपको लगे देखिए ये फॉर्मेट भी ऐसा है कि जहां पर आपको निडर होने की जरूरत साथ ही में इंटेलिजेंट होना भी बहुत जरूरी। लेग स्पिनर गेंदबाजी कर रहे हैं आप चाहेंगे कि अगर कोई चांस ले तो रविंद्र जडेजा
बेहतरीन फॉर्म में, तो आप चाहेंगे कि आप एक लंबी पारी खेलें, आप 17-18 ओवर तक बल्लेबाजी करें, तब आप एक डिसेंट टोटल तक पहुंच सकते हैं। और कई बार गेंद पास को देखे भी ये तय करना जरूरी कि उस गेंदबाज के खिलाफ कौन चांस लेगा। अगर ऑफ स्पिनर होता है तो राइट हैंडर चांस लेगा, अगर लेग स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म स्पिनर हो तो, अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन मिडिल में है तो उसको सिंगल डबल निकालते रहें। 13-14 ओवर तक आप खेलें, ये पार्टनरशिप खेलें और उसके बाद एक्सेलरेट करने का सोचें। क्योंकि आप जानते हैं गौतम, आंकड़ों से हमें प्यार है और कभी कभी आंकड़े भी गूगली मारते हैं, और वो गूगली ये है कि जैसे आपने कहा लेफ्ट हैंडर चांस देते हैं, जो 11 विकेटें लिए राहुल चहर ने उनमें से 6 विकेटें आई हैं बाएं हाथ के बल्लेबाजों की। और ऐसा नहीं कि वो गूगली पे आई, वो गूगली ये कम लगाते हैं लेफ्ट हैंडर्स, ये गेसिंग गेम्स खेलते रहते हैं। आपको कंडीशंस देखने भी जरूरी था, यहां पर शायद परिस्थितियां उस तरीके की नहीं, इसलिए मैं अगर कोई चांस लेना चाहे तो फिर वो रविंद्र जडेजा हूं, क्योंकि स्पिन के खिलाफ
सबके साथ मैसेज यही है, देखिए एहतियात और साथ साथ इंसानियत, ये दो चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के साथ चलेंगे लड़ाई जीत जाएंगे। बिल्कुल, और जो दुश्मन नहीं दिखता है तो यही उम्मीद करिए कि दुश्मन हर जगह है, तो थोड़ा सावधानी बरतना हमारी सबकी जिम्मेदारी है।